हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें सुटेबल ग्रुपिंग करनी, क्या बोल रहा है सुटेबल ग्रुपिंग का क्या मतलब है। जैसे हमारे क्या 2 × 36 है और मल्टीप्लाई 5 है, तो अब भाई हम इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे इजी वे में कैसा पड़ेगा। अगर मैं 2 का सीधे 5 से कर दूँ, भाई 2 × 5 = 10, इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 से मल्टीप्लाई करना हमारा इजी हो जाता है, क्योंकि 1 है तो 1 × 36 करेंगे तो हमारा इजी वे आ जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं 2 × 5 कर देंगे पहले, फिर क्या 36। अगर मैं इसका 2 × 5 = 10 कर देता हूँ, 10 होगा, 2 × 5 = 10 × 36। अब मुझे टेबल बोलने की जरूरत नहीं, 36 का अगर 1 से करेंगे तो 36 आएगा, और भाई 0 लगा दो तो इजीली वे में हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए हम सुटेबल ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ, यहाँ 0 है तो हम समझ जाएंगे, यहाँ 0 है तो इसको हम पहले कर लेंगे 5 × 20, ठीक है, × 79। अब देखो 5 × 2 = 10 भी आ जाएगा, फिर एक 0 तो है ही, × 79। अब ये इजी वे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 79 × 1 क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। भाई 2 0 हैं तो 2 0 लगा लो, ओके। ऐसे हमारा देखो ये है कितना है, 4 × 25 × 68। 25 4 जाए कितना हो जाए, 100 होता है कि 0 आ गए हमारे, और ये 68। अब 68 × 1 = 68 और 2 0 है तो 2 0, ओके। ऐसे यहाँ देखो 2 × 47 × 50 है, भाई 0 दिखाई दे रहा है, 2 × 5 = 10 भी होता है, तो हम क्या करेंगे 2 को 50 से कर देंगे और फिर 47। 2 × 5 = 10, 1 0 × 47, 47 × 1 = 47 और 2 0 तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। ऐसे हमारा यहाँ देखो 36, देखो 6 × 4 = 24 हो तो यहाँ तो ना आया, लेकिन 5 × 4 = 20 आ रहा है तो 0 आ रहा है, तो ये हम पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 और 2 carry 3 = 10 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 1 carry 5 आगे। अब 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15 और 18 हो जाएगा और 2 0 ये हैं, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। ऐसे यहाँ देखो 2 × 107 × 500 है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, अगर 2 × 500 × 107, अगर इसको करेंगे 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 0 ये हैं तो 2 0 यहाँ लगा लो, 107, 107 को 1 से करेंगे तो 107 आएगा और 3 0 ये हैं, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया, ओके। इसको हम इजी वे में कर सकते हैं।